हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है प्रदीप कुमार, आप देख रहे हैं वेलकम लाइफ चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि हमारी गाड़ी की जो केबिन के अंदर की जितनी भी लाइटें होती हैं और जो हमारा मेन स्विच होता है जिससे पूरी गाड़ी की जो है अर्थिंग होती है, सारी गाड़ी बंद हो जाती है अगर मेन स्विच हमारा अगर ख़राब हो जाता है, तो उसे कैसे ऑन ऑफ करते हैं और सभी चीज़ें इन मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाद में जो बेल आइकन घंटी आती है उसको ज़रूर दबा लें, क्योंकि जिससे मैं अपनी आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको पहुँचते रहें। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कुछ हमारे जो स्विच मैंने लगा रखे हैं गाड़ी में। ये देखिए, मैंने यहाँ पर जो है 6 स्विच लगा रखे हैं, सभी के अलग अलग कनेक्शन हैं और कनेक्शन के बाद में मैं आपको बताऊँगा इनके सभी के काम। तो मैं सबसे पहले बता देता हूँ, मेरी गाड़ी है ये तो ट्रक गाड़ी है, इसमें कितनी लाइटें मैंने लगा रखी है। तो एक तो आप ये सामने देख सकते हो, ये लाइट मैंने लगा रखी है। ये लाइट होती है इसलिए कि जब अंधेरा हो जाता है तो गाड़ी में जब जलाया जाता है इस लाइट को, बस इस लाइट का यही काम होता है और कोई काम इसका नहीं होता है। तो ये गाड़ियों में हमेशा ही लगी रहती है एक लाइट, जो कि जैसे घरों में लगी होती है कि बाई चांस कोई हमें काम करना पड़ जाए तो हमें लाइट जलाई जाए। लेकिन उसके बाद यहाँ पे बात आती है कि हमें हमारे पास कुछ ऐसी लाइटें होती हैं, तो उनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ कि वो लाइटें किस तरीके से होनी चाहिए हमारी गाड़ी में ज़रूर और उनका क्या काम है। तो मैं यहाँ पे आपको देख सकते हैं, यहाँ पे दो आपको ये लाइटें दिख रही हैं, एक तो ये लाल कलर की लाइट है और एक है वो हरी कलर की। तो इन दोनों का काम मैं आपको बता देता हूँ, ये दो तरह की लाइट हैं। इनका काम ये होता है कि जब भी कोई आगे से गाड़ी आती है और उसकी हमें जो है लाइट को कम करना है, मान लीजिए कोई गाड़ी आ रही है बहुत ज़्यादा जिसकी लाइट है और उस लाइट को यह जो है बचाती है, इन दोनों लाइटों को, हरी को और लाल को, जब भी जलाया जाता है जब कोई आगे से गाड़ी आती है। रात को सभी जला के रखते हैं, मैं भी जला के रखता हूँ, जो भी ड्राइवर होते हैं गाड़ी में, क्योंकि जो आगे से फोकस आता है गाड़ी का उसको ये कार देती है और उनका फोकस हमें कम लगता है, तो ड्राइवर को ज़्यादा परेशानी नहीं होती है गाड़ी चलाने में। और मैं यहाँ पर बात करूँगा, मैंने जो है यहाँ पर 2-3 लाइटें ही लगा रखी हैं। ऊपर से जो इसका केबिन है, इस तरीके का केबिन यहाँ पे दिखेगा आपको, इस तरीके का काम मेरा ये ऊपर का केबिन है और अंदर का स्पेस भी मेरा इसमें बहुत ज़्यादा है, तो काफ़ी जगह मेरी इस गाड़ी में आपको मिलेगी। और अब बात करता हूँ मैं मेन बात पे कि मेन स्विच का क्या काम होता है गाड़ी के अंदर। तो मेन स्विच का काम जो है गाड़ी के अंदर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, तो मैं उसी चीज़ को आपको दिखाने वाला हूँ, क्योंकि वो जो है बैटरी से कनेक्ट होता है। आपके सामने कोई भी पूछ सकता है कि मेन स्विच क्या होता है, अगर आप एक नए ड्राइवर हो तो आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलो मैं इस हमारे बोनट को जो है यहाँ से उखाड़ के थोड़ा सा आगे की तरफ करता हूँ, तो आपको ये जो है दिख रहा होगा, देखिए इस तरीके का जो है हमारा मेन स्विच होता है। और अब ये जो है यहाँ पर ऑन है और इसको ऑफ करना है तो हमें इसको ऐसे कर देना होगा, तो अब ये ऑफ हो चुका है और इसको अब ऑन कर देंगे। तो इसमें जो है दो तार लगे हुए होते हैं, एक होता है लाल कलर का और एक होता है हरे कलर का, नहीं सॉरी, एक होता है लाल कलर का और एक होता है ब्लैक कलर का, जो कि बैटरी में कनेक्ट होते हैं। अर्थिंग और करंट के दोनों ही तार हमारे जो है बैटरी में जुड़े हुए होते हैं, तो इससे क्या है कि हमारी गाड़ी में करंट पहुंचता है। अगर ये दोनों तार लगे होते हैं इनमें, अगर ये स्विच ख़राब हो जाता है या फिर कोई दिक्कत हो जाती है स्विच में, तो इस स्विच को बदला जाता है। ये गाड़ी के लिए मेन स्विच बोला जाता है इसको। जब भी आप गाड़ी में कोई काम करवाते हो, मान लीजिए कोई लाइट का काम करवाते हो या कोई वैसा काम करवाते हो, तो इसको ऑफ करके किया जाता है, क्योंकि अगर ये ऑन रहेगा तो आपकी गाड़ी में आग लगने का खतरा हमेशा बना रहता है। तो ये था मेन स्विच, और भी मैं आपको जानकारी दूंगा अगली वीडियो में, आपको और भी डिटेल देने वाला हूं। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन घंटी को ज़रूर दबा लेना। तो गाड़ी के केबिन के अंदर तो इतनी ही जो है लाइटें होती है, लेकिन बाहर की तरफ की लाइटें जो है उनके बारे में मैं आपको कल वीडियो अपलोड करके दूँगा, क्योंकि आज मैं जो है इतना ही आपके लिए बताता हूँ, क्योंकि ज़्यादा लंबी ये वीडियो आपके लिए हो जाएगी। तो इन दो लाइटों के बारे में और मैंने एक जो ये अपना जो मेन स्विच है उसके बारे में मैंने आपको बताया है।
तो आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाद में जो घंटी आती है उसको जरूर दबा दें। आज के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।